स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टर्म वन सिलेबस. बेटा, वी आर इंक्लूडिंग अवर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 इन अवर टर्म वन. हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ अवर चैप्टर नंबर 4 इज द वेस्टर्न डेजर्ट. इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द डेजर्ट एरियाज, the climate of desert areas and the lifestyle in desert areas. इस चैप्टर में बेटा हम डेजर्ट एरिया के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है ये जानेंगे और वहाँ के लोग कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं ये देखेंगे. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर बेटा टेक योर बुक एंड ओपन योर चैप्टर नंबर 4 एंड पेज नंबर 27. बेटा, what you all have to do, you all have to underline all the hard words of this chapter and write their meaning with the help of dictionary. Okay, आपको इस चैप्टर के सारे हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है एंड उसकी मीनिंग डिक्शनरी की हेल्प से लिखनी है बुक में ही. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एज यू नो, अवर इंडिया इज फिजिकली डिवाइडेड इंटू माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन. तो भारत का जो पश्चिमी भाग है बेटा वो कैसा है, वो डेजर्ट एरिया है. तो आज हम उसी पश्चिमी भाग के बारे में कुछ पढ़ेंगे और जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डेजर्ट. स्टूडेंट्स, व्हाट इज डेजर्ट? डेजर्ट इज एन एरिया दैट कवर्ड विद सैंड एंड रिसीव अ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. डेजर्ट बेटा एक ऐसा फ्लैट एरिया होता है, प्लेन एरिया होता है जो पूरा ही सैंड से कवर होता है. सैंड का मतलब बालू या रेत. डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है बेटा जो पूरा किससे कवर होता है, सैंड से कवर होता है. इस एरिया में बेटा रेनफॉल या तो बहुत वेरी लिटिल बहुत कम होती है या तो होती ही नहीं है. ठीक है, तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट एरिया बोलते हैं. ठीक है, तो नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज डेजर्ट? सो द आंसर इज अ डेजर्ट इज अ वास्ट एरिया कवर्ड विद सैंड. Okay, you all have to learn this definition. So, the western part of our India is desert area. The western side of Rajasthan is covered with sand. Rajasthan ka beta jo western part hai, wo sand se pura cover hai. And it consists of the Great Indian Desert. और ये किससे जाकर मिलता है बेटा? The Great Indian Desert से जाकर मिल जाता है, जिसे हम Thar Desert के नाम से जानते हैं. Next is इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान. ये जो बेटा थार डेजर्ट है हमारा, ये राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैंडी प्लेन. बेटा ये जो हमारा डेजर्ट एरिया होता है इसे हम सैंडी प्लेन के नाम से भी जानते हैं. स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड आर नोन एज सैंड ड्यून्स. बालू के छोटे छोटे टीलों को हम सैंड ड्यून के नाम से जानते हैं. ओके, डस्ट स्टोन्स आर वेरी कॉमन इन राजस्थान और डेजर्ट एरिया. जो हमारा डेजर्ट एरिया होता है बेटा वहां पर बहुत ही धूल भरी या रेत भरी आंधियां चलती रहती हैं. ये यहाँ पर नेचुरली आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा. दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ राजस्थान और डेजर्ट एरिया. ठीक है, हमें डेजर्ट एरिया में कॉमनली नॉर्मली बेटा क्या देखने को मिल जाते हैं, डस्ट स्टोन्स देखने को मिल जाते हैं. सो दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट द वेस्टर्न डेजर्ट. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान और डेजर्ट एरिया. स्टूडेंट्स, On page number 27, there is a exercise. This is fill in the blanks. Number 1 is a dash is a flat land covered with sand. So the answer is desert. Number 2 are a common feature in Rajasthan. So the answer is dust storm. Now here is the answer. Beta, fill it properly in your book. Now here is your homework. You all have to learn and write these question answers in your homework copy in a very neat and clean handwriting. So the question number 1 is, what is sand dune? The answer is, small hills of sand are known as sand dunes. Now the next question is, where is the Thar Desert lie? Beta, Thar Desert kahan hai? सो द थार डेजर्ट इज लाय इन राजस्थान. थार डेजर्ट कहाँ है बेटा? राजस्थान में है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.